नहीं कहां से ये बच्चा पार्टी आ गए और मेरे ऑटो को बिल्कुल कब्जा कर लिया। भुजिया दो दे दो, बस मुझे आप ऑटो के अंदर देके जाओ। अबे कौन है बे तू? गाइस यार हमारा ऑटो अचानक बीच रास्ते में, यार इसका प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा। शाम होने वाला है, मैंने जिंदगी में आज तक शाम के टाइम कभी कोई जंगल के सामने मैं रही नहीं हूँ। मैंने अभी बोला यहाँ पे क्या क्या है। तो ऐसे सुनने में आया कि यहाँ पे दो महीने में आके मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है यहाँ पे? yes. भूत भी है। भूत भी है? हाँ, जो सच में? हाँ, मैंने देखा है। गाइस पड़ोसी का ऑटो चुरा के भाग रही हूँ, जाना चाहोगे मेरे साथ? आ जाओ यार। अरे देवा, डर गए ना, मजाक कर रही थी यार। तो हेलो नील हर्ट, कैसे हैं आप सब? बहुत बुरे हैं हम लोग। गाइस मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ क्योंकि आज पूरा दिन मैं मेरी इस ऑटो के अंदर रहने वाली हूँ, मतलब 24 आवर्स के लिए। इतना झूठ क्यों बोलना आपसे गाइस, सारे बाकी यूट्यूबर्स 24 आवर प्लेन में रहते हैं, मेरे पास प्लेन तो क्या, कार भी नहीं है, कार तो क्या, ऑटो भी नहीं है, इसलिए पड़ोसी का ऑटो चुरा लिया। थोड़ा सा सिंपैथी लिया यार। कौन है ये पागल आदमी? तो चलो अभी के लिए मेरा बकवास बंद करते हैं एंड चालू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। नीलू भाई तेरे ऑटो में छुपके छुपके आई, इसको करना है सफाई। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैं झाड़ू पोछा लेके आ चुकी हूँ स्वच्छ ऑटो अभियान करने। तो चलो बक बक बंद करते हैं एंड चालू करते हैं ऑटो की सफाई। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। नो 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 नो। थक गई यार। यार मैं इतनी सुंदर हूँ तो मेरे ऑटो को देख के पता चलना चाहिए ना कि ये मेरा ऑटो है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरा पिक्चर लगा लूँ ऑटो पे। तो अभी बनाना ये मेरी तरह सुंदर ऑटो है ना गाइस। गाइस देख सकते हो मेरे सिंहासन को मैंने नील हट से इंस्पायर होकर रेड हार्ट्स बना दिया है, बट ये बहुत ज्यादा खाली खाली लग रहा है यार, तो चलो मैजिक किया जाए। सो गाइस मेरे ऑटो का फ्लोर में भी मुझे ग्रीनरी चाहिए यार, गार्डन के बिना मेरा दिल गार्डन गार्डन नहीं होता। अरे यार निकल नहीं रही थी मैं, तो चलो बना लेते हैं ऑटो गार्डन। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, पर गाइस मेरे पास कोई दूल्हा नहीं है इसलिए सेहरा ऑटो को ही लगाएंगे। यार मैं तो बस पानी लाने जा रही थी और पता नहीं कहां से ये बच्चा पार्टी आ गए और मेरे ऑटो को बिल्कुल कब्जा कर लिया। यार ये लोग तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्या क्या कर रहे हैं देखो, इनको तो ऑटो चला के चले भी जाना था बट वहाँ पे तब भी मैं आ गई। और ये देखो ये कैसे देख रहा है। तो गाइस ऑटो का तो मैंने पूरा प्लास्टिक सर्जरी करा दिया है बट मुझे भी तो थोड़ा मेकअप करना पड़ेगा ना, तो मेरा मेकओवर नहीं देखोगे? फ्लैशबैक। वाओ ये क्या है, इट्स सो क्यूट। अरे यार ये तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं ये किसी के साथ शेयर नहीं करती। अरे देखो ना मॉनसून सीजन में ना मेरा स्किन सेल्स कितना ज्यादा डैमेज हो जाता है और रिसेंटली मुझे ये पॉन्ड्स के फोमिंग ब्रश फेस वॉश के बारे में पता चला। अरे पैकेजिंग तो देखो कितना क्यूट पिंक क्लाउड पिलो है। और अभी तुम सोच रहे होगे कि प्रोडक्ट्स कहाँ पे है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली इसके अंदर है। पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फोमिंग ब्रश फेस वॉश इन्फ्यूज्ड है नियासिनामाइड के साथ जो हेल्प करता है हमारे स्किन की पोर्स को डीपली क्लेंस करने के लिए। पॉन्ड्स प्योर डिटॉक्स फोमिंग ब्रश फेस वॉश में है एक्टिवेटेड चारकोल जो हमारे स्किन के लिए बहुत जेंटल है बट अमेजिंगली डेड स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट करता है। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ पॉन्ड्स की ब्राइट ब्यूटी फोमिंग ब्रश फेस वॉश क्योंकि ये मेरी स्किन को बहुत ही अच्छे से डीपली क्लेंस करता है एंड इट्स सो लाइट वेट और इसका टेक्सचर तो बहुत ही ज्यादा रिच एंड क्रीमी है। जस्ट सिंपली पंप द फेस वॉश ऑन टू योर वेट फेस, इसको जेंटली सर्कुलर मोशन में मसाज करो एंड
पानी से वॉश कर लो। ये स्किन से डर्ट रिमूव करके स्किन को एकदम सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाता है। दीज आर फ्री फ्रॉम सोप, पैराबेन एंड एनी आर्टिफिशियल कलर्स, एंड साथ ही में ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है और डेली यूज के लिए तो परफेक्ट है। गाइज, मुझे ना फिंगर टिप्स यूज करना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इसमें जर्म्स होते हैं, इसलिए आई रियली अवॉइड यूजिंग माई फिंगर्स। सो द एप्लीकेटर ब्रश इज सच अ बोनस। गाइज, पॉन्ड्स ड्राई ब्यूटी फोमिंग फेस वॉश का प्राइस सिर्फ $3.99 है एंड पॉन्ड्स प्योर डिटॉक्स फोमिंग फेस वॉश का प्राइस सिर्फ $4.49 है। मैंने दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जरूर चेक करो एंड आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। तेरा ध्यान किधर है, हम ऑटो के अंदर है। मैं बचपन से ऐसे चलाती थी ऑटो। तो गाइज, ऑटो में इतनी देर से बैठी हुई हूँ, इतना गर्मी लग रहा है, बट मुझे ना बहुत जोर की भूख लग चुकी है। गाइज, मेरे घर के सामने ये सारे दुकान देख रहे हो ना, एक भी दुकान नहीं खुला। मुझे नहीं लगता इतना सुबह सुबह कोई भी चिप्स का दुकान खुला होगा, बट फिर भी देखते हैं जाके। A few inches later. अंकल रुक जाओ। सो गाइज, फाइनली हमको मिल गया है एक चाय की टपरी। आंटी, चाय मिलेगा? मुझे ऑटो के अंदर चाहिए। आप ही दे दो। आगे स्वाद। यार, लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कैसी पागल लड़की है, ऑटो में आई है, वो भी ऐसे दूल्हे का सेहरा की तरह सजा के, और ऊपर से ऑटो से उतर के चाय भी नहीं पिएगी। गाइस, आंटी शर्मा रही थी, बट सुबह सुबह चाय मिल गया, यही काफी है यार। खा लेते हैं चाय बिस्किट। No. Let me see it. I just wanna eat it. So guys, मुझे रास्ते में ना जाते जाते अचानक ये चिप्स का दुकान दिखा। दो भुजिया दे दो। मूंग दाल है या भुजिया? भुजिया दो दे दो। बस मुझे आप ऑटो के अंदर देके जाओ। अबे कौन है बे तू? मैं ऑटो से नहीं निकल पाऊंगी आज, ये चैलेंज है। गाइस, यार अंकल भी सोच रहे होंगे कि मैं कितनी बड़ी वाली पागल हूँ कि ऑटो से मुझे उतरना नहीं है, पर मुझे इतनी सारी चीजें चाहिए। थैंक यू अंकल, अगर आप नहीं हेल्प करते तो मैं चैलेंज हार जाती। जोमेटो वाले भैया कॉल कर रहे हैं। हेलो, मैं आपका लोकेशन में खड़ा हूँ मैम। हाँ, आपको लोकेशन में आपने देखा एक फूलों से सजा हुआ ऑटो है। मैं आपको देख पा रही हूँ। आप बस थोड़ा सा सामने आ जाओ, मैं आपको बुला लूंगी। आप सामने आते रहो, मैं बुला लूंगी, ठीक है? आप बस आ जाओ, ऑटो के अंदर आके देना प्लीज मुझे डिलीवरी। हाँ ठीक है मैम। भैया इधर दे दीजिए, मुझे ऑटो के अंदर ही लेना है आज। आज का दिन के लिए यही मेरा घर है, यही मेरा संसार है, तो यही पे मुझे लेना पड़ेगा। थैंक यू। कैसा लगा आपको मेरा घर? बढ़िया है। थैंक यू। निहायती बेवकूफ लड़की हो तुम। सो गाइस, डोमिनोज वाले भैया को तो मेरा घर बहुत अच्छा लगा, तो अभी देखते हैं कि मुझे उनका पिज्जा कैसा लगता है। यार बड़ा मजा आ रहा है, बट इतना गर्मी है ना ऑटो के अंदर, गर्मी के अंदर गर्मा गर्म पिज्जा खाने का मजा कैसा है, कैसे आएगा मुझे नहीं पता। ये टोटो वाले भैया भी देखते हुए गए पता है। और ये तो देखो कितना अच्छा लग रहा है यार पिज्जा, ओ माई गॉड। चलो गाइस, करते हैं हमारा डिलीशियस लंच। सो गाइस, मुझे ना सामने एक गोलगप्पे वाले भैया दिख रहे हैं, तो वहाँ पे अभी लोग गोलगप्पा खा रहे हैं, वो लोग खा ले फिर उनको बुला लेंगे एंड मैं भी थोड़ा सा खा लूंगी, ट्राई करूंगी। पता नहीं यार वो ऑटो के अंदर मुझे गोलगप्पा खिलाएंगे या नहीं, बट कोशिश तो मैं पूरा करूंगी। भैया मुझे थोड़ा सा गोलगप्पा दे दीजिएगा ऑटो के अंदर, ठीक है?
भैया सोच रहे हैं कि ये कौन सी पागल लड़की आ गई है मेरे पास गोलगप्पा खाने। जानते हैं। आप जानते हो कि मैं पागल हूँ? नहीं नहीं। अंकल भी सोच रहे हैं, बहुत मुश्किल है यार। यार अंकल बहुत अच्छे हैं। थैंक यू अंकल, मुझे खिलाने का जी हट गया। अरे यार, अरे यार, यार हमारा ऑटो अचानक बीच रास्ते में यार इसका प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा। हमारा ऑटो इस जगह पे खराब हुआ है जहाँ पे पूरा का पूरा जंगल है। इतना ज्यादा डर लग रहा है मुझे, क्या ही बताऊं गाइस। और अभी शाम होने वाला है, मैंने जिंदगी में आज तक शाम के टाइम कभी कोई जंगल के सामने मैं रही नहीं हूँ। गाइस बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार, मतलब यहाँ पे उतना ज़्यादा लोग भी नहीं है, सिर्फ एक दो गाड़ी ऐसे पास हो रहा है। ऊपर से जो जंगल है ना, ये मतलब इसका कोई एंड नहीं दिख रहा कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और ये जो एरिया है ना, यहाँ पे मैं कभी नहीं आई हूँ आज तक। मैंने अभी बोला यहाँ पे क्या क्या है। तू ऐसे सुनने में आया कि यहाँ तक तो 2-3 में आके मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है यहाँ पे? Yes. और अंकल जी अभी अभी बोले हैं कि यहाँ पे शायद भूत भी है। भूत भी है? हाँ, मैंने देखा है। गाइस यार अंकल जी अभी तक आए नहीं है और इतना डर लग रहा है, यहाँ पे मर्डर भी हो रखा है और वो दोनों भी ना चल के जा रहे हैं अंकल जी को ढूंढने। देखो यहाँ पे वो दोनों, जब से मैंने सुना है कि यहाँ पे मर्डर हो रखा है बहुत डर लग रहा है गाइस। पसीना देख रहे हो? सीटू चले आशो। सो गाइस फाइनली गाड़ी ठीक हो गया तो मैं थैंक्स टू दिस लाइट जिसकी वजह से सेफ थे हम लोग यार। गाइस यार मेरा इतना सुंदर खूबसूरत ऑटो, बट यार शाम के वक्त तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया है। तो चलो अभी मैजिक करते हैं एंड इसको कर देते हैं बिल्कुल चमकदार। ये लो मैजिक कर दिया मैंने। कितना अच्छा लग रहा है मेरा ऑटो अभी, ये लग रहा है नीलांजना का ऑटो है ना। So guys, आप तो देख ही सकते हो कि मेरा घर मतलब कि ऑटो वाला घर कितना ज्यादा ही क्यूट लग रहा है यार। बट मुझे बहुत जोर की भूख लग चुकी है, अभी मुझे बाहर से कुछ भी ऑर्डर नहीं करना। मम्मी को कॉल करके बुलाऊंगी एंड बोलूंगी खाना लाने के लिए, पर मम्मी लाएंगी क्या पता नहीं। उठा क्यों नहीं रही है फोन, उठा लो मम्मी, गुस्सा हो गई है मेरे पे। वह उत्तर नहीं दे रही है। यार मम्मी ने कॉल रिसीव ही नहीं किया। हेलो हेलो। हाँ मम्मी बोलो। मेरे लिए खाना लेके आओ, मैं नीचे खड़ी हूँ। नीचे कहाँ? तुम नीचे आओगे तो तुमको एक बहुत सुंदर घर दिखेगा मेरा, बिल्कुल लाइट्स वाइट्स एकदम चकमकाता हुआ घर। मेरे लिए डिनर लाना ठीक है? नीचे ऐसे नहीं जाओ। नहीं मम्मी आप आके देके जाओ, मैं अभी मेरे घर से नहीं निकल सकती। आप आओ ना, आपको घर भी दिखाना है, जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं रखती हूँ, जल्दी जल्दी आ जाओ नीचे। A few moments later. तो मम्मी ये रहा मेरा आलीशान घर, कैसा लगा? मेरा रूम देखे हो, बिल्कुल एकदम तारों का शहर, सितारों का शहर बना दिया है मैंने। कैसा लगा बताओ तो सही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा आज का पूरा रात मैं यहीं पे रहने वाली। ठीक है दे जाओ। यार लोगों की मम्मी बोलती है कि नहीं चलो घर चलो घर चलो, और मेरी मम्मी बोलती है ठीक है तुम रह जाओ। मतलब मेरी मम्मी चाहती है मैं घर जाऊँ ही नहीं। क्यों इतना डिस्टर्ब करती हूँ आपको? नहीं नो डिस्टर्ब। So guys, ये रही मेरी मम्मी मेरे आलीशान घर पे। थोड़ा ऑटो चलाना है क्या? नहीं चलाना। क्यों आपने कभी चलाया नहीं? चलाओ अभी। नहीं अगर कोशिश करती भी तो भी नहीं चलता क्योंकि इसका चाबी है ही नहीं मेरे पास गाइस। तो चलो अभी खाना खाती हूँ मैं। अच्छा लगा ना, कंफर्टेबल है ना मेरा घर? बहुत अच्छा है। रहोगे आज रात मेरे साथ? नहीं रहूंगी। नहीं रहेंगी। बाय बाय। लोगों को बोलो मेरे वीडियो लाइक करने के लिए, बोलो लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। मम्मी के हाथ का खाना टेस्टी अलग होता है ना गाइस? किस किस को लगता है कमेंट में बताओ, सबसे अच्छा खाना मम्मी का हाथ का होता है ये किस किस को लगता है कमेंट में बताओ।
गाइस, खाना वाना सब कुछ खा लिया है, डिनर भी कंप्लीट है, बट अभी मुझे डर लग रहा है कि मैं यहाँ पे कैसे सोने वाली हूँ। तो मैंने ले लिया है मेरा तकिया पिलो, जो कि सो रहा है खुद भी, तो इसी के ऊपर मुझे सोना पड़ेगा। बट बहुत ही छोटू सा जगह है यार, मेरा पैर भी ठीक से फिट नहीं हो रहा गाइस, बट फिर भी ऐसे ही सोना पड़ेगा आज रात के लिए। तो मैं ऐसे ही सो जाती हूँ, आपको मिलती हूँ कल सुबह। वैसे यार मैंने पूरा चैलेंज कंप्लीट कर लिया, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पूरा चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगी। और गाइस, कोई अगर यहाँ से रस्ते से जाएगा तो वो सोचते हुए जाएगा कि ये लड़की पागल है, यहाँ पे ऑटो में तो सो रही है। डर भी लग रहा है गाइस थोड़ा थोड़ा, बट सेफ ही है क्योंकि मेरे एकदम घर के पास है ये वाला फ्लैट में मैं रहती हूँ और यहाँ पे मैं सो रही हूँ, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो मैं सो जाती हूँ, आपसे मिलती हूँ कल सुबह, बाय। गाइस गुड मॉर्निंग, मैं उठ चुकी हूँ और जो भी रास्ते से जा रहा है ना मुझे देखते हुए जा रहा है गाइस। फिर भी अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइस, मुझे तो पूरी रात बिल्कुल नींद नहीं आई, तो मैं भी जल्दी से उठ जाती हूँ एंड घर पे जाके आपसे बात करती हूँ। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है यार, क्यों नहीं किया है, कर दो ना। चलो यार घर में चलते हैं, आंख जल रहा है बिल्कुल।